नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना यह होता है कि एस्ट्रोलॉजी एक अंधविश्वास है, इस पर विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या ये काम करती है तो कैसे करती है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि मैथमेटिक्स के अगर कैलकुलेशन को हम लें तो 1 से लेकर 9 तक के फिगर होते हैं। 0 को आप एक बार अलग रख दीजिए क्योंकि 0 हर जगह पर एप्लीकेबल होता है, लेकिन 1 से लेकर 9 तक के फिगर हैं यहां पर। इस 1 से लेकर 9 तक के फिगर के अंदर ही पूरी गणित समाई हुई है, पूरी मैथमेटिक्स आती है। यानी कोई भी फिगर आप लेंगे उसमें 0 से लेकर 9 तक का फिगर होगा, 1 से 9 तक का फिगर होगा, 0 उसकी वैल्यू को कई गुना इंक्रीज कर देता है। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि 1 से 9 तक के फिगर है और उसी से पूरी दुनिया की कैलकुलेशन बनी है। जब 1 से 9 तक के फिगर से हम पूरी दुनिया की कैलकुलेशन कर सकते हैं तो सोचिए ब्रह्मांड में भी 9 ही ग्रह हैं और इन 9 ग्रहों की साथ में जब 0 लगता है, 0 क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड की पराशक्ति को हम 0 कहते हैं, यानी हमारी गैलेक्सी। और उसी गैलेक्सी के अंदर नक्षत्र भी हैं, तारे भी हैं, ग्रह भी हैं। और जब ये उन ग्रहों के साथ रिलेट करते हैं, 0 की पावर को अप्लाई करते हैं उन ग्रहों के साथ, तो फिर एक नई चीज का निर्माण होता है। जैसे 0 किसी भी संख्या के मान को बढ़ाने में और उसको कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी फिगर से पहले लगेगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिगर के बाद लगेगी तो उसकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा देती है। उसी तरीके से ये ब्रह्मांड की शक्तियां, 9 ग्रहों की शक्तियां जब नक्षत्रों के साथ लौटकर पुनः पृथ्वी पर आती है तो इसकी वैल्यू भी कई गुना बढ़ जाती है। जिस तरीके से 1 से 9 तक के फिगर और उसमें 0 को इंक्लूड करने पर दुनिया की सारी कैलकुलेशंस बनी है, उसी तरह से ब्रह्मांड के 9 ग्रह और गैलेक्सी की पावर, ये सब मिलकर के इस पूरी प्रकृति का निर्माण करते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। हर प्लैनेट की अपनी एक पावर है, उसका एक रिजल्ट है जो हमें देखने को मिलता है। जैसे चंद्रमा मन का कारक है और उसे वाटर एलिमेंट कहा गया, और हमारे शरीर में भी 70% पानी है, इसीलिए चंद्रमा हमारे शरीर को, हमारे मन को कंट्रोल करता है। सूर्य आत्मा का कारक है, जैसे हमारे शरीर के अंदर एक प्राण शक्ति होती है जो हमारे पूरे शरीर को चला रही है, उसी तरह ब्रह्मांड के अंदर भी सूर्य है जिसकी एनर्जी पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। इसीलिए सूर्य तत्व की गणना हमारे शरीर के अंदर आत्मकारक से, यानी आत्मा से की गई। बुद्ध यहां पर बुद्धि का कारक है, इसीलिए हमारे शरीर के अंदर भी बुद्ध की एनर्जी ज्यादा होने पर व्यक्ति बुद्धिमान होता है, उस तरह के फ्लो उसके अंदर ज्यादा होते हैं। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, बृहस्पति की एनर्जी ज्यादा होने पर व्यक्ति ज्ञानी होता है, उन चीजों को सीखने समझने की क्षमताएं उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, ये इंपैक्ट बृहस्पति का हमारे जीवन पर है। शुक्र भोग विलासिता संसाधनों का कारक है, और इसीलिए जब शुक्र की पावर हमारे एनर्जी लेवल हमारे शरीर में ज्यादा होता है तो हमारे जीवन के अंदर सुख संसाधन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। शनि डिसिप्लिन का कारक है, न्यायप्रियता का कारक है, तो यहां पर शनि की एनर्जी बढ़ती है तो व्यक्ति एक नियम कायदों में चलने वाला होता है, अनुशासन प्रिय होता है, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। मंगल की एनर्जी ज्यादा होती है, मंगल इस ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जाओं का संचार करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, तो यहां पर हमारे शरीर में भी मंगल एक एनर्जी फ्लो को मेंटेन करता है जिसकी वजह से हम बहादुरी के काम कर पाते हैं, संकटों से अपना मुकाबला कर पाते हैं, लड़ पाते हैं, जूझ पाते हैं अपनी परिस्थितियों से। यह मंगल का कारक है। राहु भ्रम का कारक है, जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है हम उसको भी पाने की चाहत रखते हैं, ये राहु का कारक है, भ्रम का कारक है। जैसे अंधेरे के अंदर आपको आपकी ही चीजें नजर नहीं आती हैं, उसी तरह से राहु भी हमारी मति को भ्रमित करता है, यानी हम वो काम करने को तैयार हो जाते हैं जिसके परिणाम की कल्पना हम कर पाते ही नहीं है, बस करना है, क्या परिणाम होगा देखा जाएगा, इस स्थिति का कारक है राहु। केतु परमार्थ का कारक है,
जो अपनी बुद्धि नहीं लगाता कि मुझे क्या करना है, बस वो एक सेवा भाव से काम करता है, उसे उसके बदले कुछ चाहिए नहीं। जितने भी समाज सेवी समाज सुधारक हुए हैं वो कहीं ना कहीं केतु प्रधान व्यक्ति हैं, जिन्हें अपना स्वार्थ कहीं नजर ही नहीं आता। वो ये जानते ही नहीं कि इससे हमें फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, बस वो ये जानते हैं कि हमें लोगों की भलाई करनी है। ये केतु का कारक है। ब्रह्मांड की एनर्जी और इंसान की प्रकृति ये एक ही है और उसी से रिलेट होती है और इसी से पूरे संसार की रचना हुई है। प्रकृति को जब जो काम कराना होता है वो उसी तरह का एनर्जी फ्लो इस ब्रह्मांड में बढ़ा देता है और उसी तरह का काम हम करने लगते हैं। शनि का फ्लो बढ़ता है, साइंटिस्ट लोग अपने और तेज से काम करने लगते हैं, नई नई इन्वेंशन होने लगती है। मंगल का एनर्जी फ्लो बढ़ता है, सैन्य कार्रवाई बढ़ जाती है, पुलिस की शक्ति प्रशासन की शक्ति बढ़ जाती है। चंद्रमा का फ्लो अधिक होता है, साहित्यकार लेखक कलाकार इनकी रचनाएं बढ़ जाती हैं। शुक्र का फ्लो बढ़ता है, पूरे संसार के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी इस तरह की आती है, नई सुविधाएं आती है कि हमारा जीवन यापन और अच्छी तरह से बेहतर हो जाता है, सुविधापूर्वक हो जाता है। सूर्य का एनर्जी फ्लो अधिक होता है तो प्रशासनिक शक्तियां बढ़ जाती हैं। राहु का फ्लो बढ़ जाता है तो संसार के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, और केतु का फ्लो बढ़ता है तो हर तरफ समाज सुधार की भावना देखने को मिलती है। हमारा हर दृष्टिकोण, हमारा हर काम इन ग्रहों से ही संबंधित होता है और हमारी हर सोच को कंट्रोल करने का काम भी ये प्लैनेट करते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अगले पल वो क्या सोचेगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत यह बता देता है कि यह व्यक्ति आने वाले समय में किस तरह की सोच के साथ काम करने वाला है, क्योंकि ग्रहों की गणनाएं बता देती है कि आने वाले समय में उसको कौन सा ग्रह उसको प्रभावित करने वाला है और उसकी वजह से उसका थॉट प्रोसेस क्या रहेगा, वो किस एनर्जी फ्लो में काम करेगा और उसकी वजह से उसकी सोच क्या होगी और उसके निर्णय क्या होंगे। सिंपल कैलकुलेशन है ये। जैसे 1 से 9 तक के फिगर को 0 के साथ शामिल करके हम एक नई संरचना तैयार करते हैं, हर चीज की कैलकुलेशन तैयार करते हैं, हम जोड़ बाकी गुणा भाग सब कर लेते हैं, उसी तरीके से इन 9 ग्रहों की एनर्जी पूरे ब्रह्मांड की सारी चीजों को करने की हमें शक्ति देती है और हमें कंट्रोल भी करती है। इससे बाहर हम हैं ही नहीं, तभी तो भविष्यवाणियां भी की जा सकती है, क्योंकि इस एनर्जी फ्लो की वजह से कौन सा आदमी क्या डिसीजन लेगा, क्या करेगा, ये यदि आप समझ गए तो आप कह सकते हो कि ये आदमी अब आने वाले समय में इस तरह का एक्शन लेने वाला है। बहुत सिंपल सी चीज है ये, लेकिन प्रकृति के तौर पर हमें इसे लेना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ये किताबों से लिया हुआ ज्ञान नहीं है, ये एनालिसिस एक रिसर्च है जो व्यक्ति को करनी पड़ती है, तभी वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर साबित हो सकता है। खाली किताब पढ़ के कभी भी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बना जा सकता है, और ना ही इस एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान को अपने जीवन पे सही तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। जैसे हर डॉक्टर MBBS की पढ़ाई करता है, लेकिन हर डॉक्टर का अपना इलाज करने का तरीका है, तभी कोई डॉक्टर पूरी दुनिया में मशहूर होते हैं और कोई अपनी छोटी सी क्लिनिक लेकर के बैठा होता है, जबकि पढ़ाई दोनों ने एक ही की है। उसी तरीके से जो इस प्रकृति के सिद्धांतों को समझता है, धार्मिक शास्त्र ग्रंथों का अनुभव करता है, ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करता है, प्रकृति के नियमों का पालन करता है, उसे यह विद्या बहुत अच्छी तरह से फलित होती है। इसीलिए इस एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत को अब वो समय है जब हमें साइंटिफिक तरीके से अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। पहले ये हमारे जीवन में शामिल थी, लेकिन जब अंग्रेज आए, उससे पहले मुगल आए, तो उन्होंने हमारी सभ्यता को खत्म कर दिया, हमें इस चीज से दूर कर दिया, वरना पहले ये चीजें हमारे जीवन में शामिल थी। हम उठ करके सभी पहले प्रकृति के इन्हीं नियमों का पालन करते थे, उठते थे, धरती को प्रणाम करते थे, मंगल का आशीर्वाद लेते थे, माता पिता के चरण छूते थे, सूर्य और चंद्रमा का आशीर्वाद लेते थे, उनकी कृपा प्राप्त करते थे, पक्षियों की, गायों की, वनस्पति, जीव जंतु, पौधों की, इनकी रक्षा करते थे, इनकी पालना करते थे, हमें हर ग्रह की एनर्जी मिलती थी। लेकिन अब हम इन सबसे बहुत दूर हो गए हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपनी मूल संस्कृति से कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं। हम विकास की इस दौड़ में हम अपनी सभ्यताओं को, अपनी संस्कृति को, सनातन धर्म को, उसके महत्व को, उसके रहस्यों को भूल गए हैं। यही कारण है कि हम आज दुखी हैं, परेशान हैं।
जिस दिन हम इससे जुड़ जाएंगे ये पूरी धरती दोबारा से एक खूबसूरत फूल की तरह खिल उठेगी। जरूरत है उस पर रिसर्च करने की। साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, पढ़े लिखे लोग हो, इस एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च करिए, इसको समझिए, बड़ा मजा आएगा। इसे अपनी कुंडली से थोड़ा सा ऊपर उठकर देखिए कि आखिर यह सिद्धांत है क्या, कैसे काम करता है, कैसे हमारे जीवन को कंट्रोल करता है। बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा, और आप अपना ही नहीं पूरे संसार के लोगों के जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे। इंफॉर्मेशन जब बढ़ती है तो उसका बेनिफिट हर व्यक्ति को मिलता है। ऐसा नहीं कि यदि आप लोग एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान ले लेंगे तो कई लोगों को चिंता होगी फिर हमारी दुकान का क्या होगा। ये ज्ञान दुकान चलाने के लिए नहीं है, ये ज्ञान लोगों की भलाई करने के लिए है। जैसे एजुकेशन फील्ड लोगों को शिक्षित करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं है। वैदिक समय पर गुरुकुल होते थे, आज शैक्षणिक संस्थाएं हैं, केवल ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा लेंगी और आपको शिक्षा देंगी लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। वैदिक समय पर ज्ञान मिलता था, शिक्षा नहीं, ज्ञान मिलता था। ज्ञान और शिक्षा के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। आप डिग्री ले सकते हैं किसी चीज की, लेकिन उस डिग्री को अप्लाई कैसे करना है अपने जीवन में, उसे आजीविका कैसे चलानी है, उसे जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, ये चीज आपको डिग्री नहीं सिखाती है, आपका अपना ज्ञान आपको सिखाता है। और एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत यहां पर हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। किस समय पर कैसे हमें कौन सा व्यवहार अपने जीवन में लाना चाहिए, ये चीज अगर कोई बता सकती है तो वो केवल और केवल एस्ट्रोलॉजी है। इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा ज्ञान है ही नहीं जो हमको ये बता सके कि आने वाला समय कैसा है और आपको क्या करना चाहिए। इसलिए धन्य है वो महापुरुष जिन्होंने हमें इतना महान ज्ञान दिया। उम्मीद करता हूं मैं आपको एक राइट मैसेज देने में कामयाब रहा हूं। अगले वीडियो में और अधिक रोचक जानकारी लेकर, एस्ट्रोलॉजी के नए सिद्धांत को लेकर, उनके अलग पहलू को लेकर के मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।